जमुई जिले के झाझा क्षेत्र के केशवपुर पंचायत में आवास योजना और शौचालय योजना के नाम पर अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 9 के सदस्य ने आवास योजना के नाम पर 15,000 रुपए की मांग कर रहे हैं, जबकि शौचालय के लिए 2,000 रुपए ले रहे हैं। नेशन न्यूज की टीम ने इस संदर्भ में जब ग्रामीणों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वार्डों ने आवास योजना की लाभ दिलाने के लिए अवैध वसूली की, फिर भी अभी तक योजना का लाभ नहीं मिला है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वार्ड कहते हैं कि जितनी जल्दी पैसे देंगे उतने ही जल्दी योजना का लाभ मिलेगा। किस्त मिला है अब तक? 45,000 और 55,000 दो किस्त मिला है। किस्त। अच्छा, पैसा भी दिए हैं किसी को क्या? 15,000। किसको दिए? संजय सर। कौन है ये? वार्ड सदस्य का पति है ना। क्या बोल के लिया है पैसा? पैसा बोला कि पैसा न दीजिएगा तब कॉलोनी भर जाएगा। आप उसके कोई लगते भी हैं क्या? चाची लगते। अपनी चाची है? अपना चाची। अच्छा, और क्या आप लोग हमारे सहयोगी हर्ष जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हर्ष, इस मामले का खुलासा कैसे हुआ है? जी बिल्कुल निदामरा, देखिए लगातार सरकारी योजनाओं में लूटपाट का जैसे मामला सामने आ रहा है। इस दौरान हमें ग्रामीणों का जब कॉल आया, जो जम्मू जिले का झाझा प्रखंड अंतर्गत केशवपुर पंचायत पड़ता है, जहां वार्ड नंबर 9 के वार्ड सदस्य प्रतिनिधि संजय साहू के द्वारा आवास योजना में बहुत बड़ा लूट खसोट किया गया है। 15,000 रुपए प्रति धारकों से लिया गया है, उनसे जबरन वसूली की गई है उन्हें धमकियां देकर। और उसके बाद जब नेशन न्यूज टीम यानी मैंने खुद वहां पर उस जगह पर जाकर जायजा लिया तो वार्ड सदस्य प्रतिनिधि का कहना है कि मैं इस मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी को मैनेज कर लूंगा। अर्थात इसके बातों से साफ साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं पदाधिकारी जो है उनकी भी संलिप्तता साफ साफ दर्शाई जा सकती है इसमें। जी हर्ष, ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि वार्ड कहते हैं जितनी जल्दी पैसे देंगे उतने ही जल्दी लाभ होगा, ये खुद ग्रामीणों ने कहा है और हमने भी सुना है। तो इस पे प्रशासन की आप तो कुछ कदम उठाई है या कुछ भी उनके खिलाफ हुआ है अभी तक? जी देखिए, जम्मू जिले के बहुत सारे ग्राम पंचायत ऐसे हैं जहां पर पदाधिकारियों की अब तक कोई भी पैनी नजर या दृष्टिकोण नहीं पड़ी है, जिसकी वजह से लगातार भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पंचायत चुनाव भी काफी नजदीक है। हालांकि प्रखंड विकास पदाधिकारी को जब इस बात की सूचना मैंने दी तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले को संज्ञान लेकर जो भी इसमें आरोपी है या जो भी लूट खसोट का मामला सामने आया उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि जो ग्रामीण है उनका कहना है कि लगातार हम लोगों से पैसे, शौचालय योजना हो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, लगातार वार्ड सदस्य हो या मुखिया के द्वारा उनसे जबरन वसूली की जाती है उन्हें प्रेशराइज कर। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया हर्ष। तो वहां पर 15,000 रुपए की मांग कर रहे हैं जबकि शौचालय के लिए 2,000 रुपए ले रहे हैं। नेशन न्यूज की टीम ने इस संदर्भ में ग्रामीणों से बात की है और इसमें जांच की जा रही है।